देख लो कितना गाना है ये। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। गिरने का नहीं These days, everything I do for liver. पानी गर्म हो गया। Thank you. ये थोड़ी देर में हाथ मुंह धोएंगे। एक लोकेशन की रेकी पे चलेंगे। मतलब हमें एक एड शूट करना है जिसकी लोकेशन कोई एक सेमी कैफे टाइप की चीज़ होनी चाहिए, जबकि जो दो एक्टर्स हैं वो चाय पी रहे हैं बैठकर टपरी पर। ऐसा ही कुछ स्क्रिप्ट में लिखा गया था, बट डिमांड है कि इस बार टपरी मत रखना। एक ही कैफे आता है मेरे दिमाग में, कोटद्वार तो तराई क्षेत्र में है, पर वो कैफे कोटद्वार से बाहर निकल के बिल्कुल सिद्धबली मंदिर की ओर, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, मतलब कोटद्वार से हिल पर है, तो वो उसकी अलग ब्यूटी है। वहाँ जाने का आनंद ही कुछ और है। दूसरा, रेकी भी हो जाएगी। शाम हो चली दोस्तों और हम जा रहे हैं रेकी पर। आशीष बुढ़ाकोटी को लेकर निकलेंगे, क्योंकि इस एड में जो हम कल करने वाले हैं उसमें वही है, बुढ़ाकोटी है। दो अनजाने चले जिंदगी बनाने। ये निकल गए हम लोग, कोई कैफे वगैरह देखेंगे जहाँ हम कल शूट कर पाए। अभी तक भाई हम 2-3 कैफे ढूंढ चुके हैं, बट एक सामने नजर आ रहा है, बिल्कुल रोड साइड है। अच्छा लग रहा है ये मामला, इतना बुरा नहीं है। देखो सही तो दिख रहा है। यो आपका कैफे जो है ये सुबह खुल जाता है? दरअसल हमको कल एक वीडियो शूट करना था यहाँ पर, फ़ोन से ही रील टाइप का, तो यहाँ कर सकते हैं बाहर सोफों पे बैठ के, मोड़े पे बैठ के। एक एक्टर मोड़े पे इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, बस मैंने फ़ोन से इनका वीडियो शूट किया। कोई दिक्कत चल जाएगा जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 10 बजे तक आओ। ठीक है, पक्का पक्का। हजरत बात ये हुई कि चटोरा जाने से पहले मुझे एक कैफ़े याद आ गया, विच इज़ बुद्धा कैफ़े, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल कैफ़े है। ऐसा नहीं है, एंट्रेंस देखो तुम, अंदर जाओ ज़रा, ये देखो। समझ में आ रहा है मामला? और यहाँ के जो वो बैठने के लिए जो स्पेस तैयार किया गया वो भी अच्छा है। ये हो गया, ऐसे ही स्पेस थोड़ा सा आगे भी है। पेट्रोल हाथ देखते हो आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माता जी का फ़ोन भी आ गया, कह रही हैं कि भैया तुम इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब में क्यों इतना आगे जा रहे हो, स्किप करना पड़ेगा कैफ़े चटोरा। स्पेशली मम्मी ने वो कर दिया नानुकुर। मेरा तो आशीष इसी कैफे में दिल लग रहा है थोड़ा सा, कि यहीं पे करेंगे। आपका क्या कहना है? जहाँ पे थोड़ा कम लोग होते हैं ना, मेरे को जगह सही है। जहाँ कम लोग होते हैं वो जगह आपको सही लगती है? भीड़ भाड़ नहीं होती, थोड़ा नेचर से कनेक्टेड होते हैं तो वो सही लगता है। तो आपका एड कल से यहीं शूट करते हैं। इफ़ यू डोंट नो, ये बुद्धा पार्क के पीछे ही है ये कैफे कोटद्वार में। बुद्धा पार्क, अगर कोटद्वार में आए हो और बुद्धा पार्क पूछ लिया किसी से, एक ही लोकेशन है और उसके जस्ट पीछे ये है। भाई हमने जो काम करने थे हमने कर लिए, हमें रेकी करनी थी हमने कर ली। बुढ़ाकोटी साहब को मैं छोड़ने आया हूँ उनके घर के बाहर नहीं, मेन रोड पे छोड़ रहा हूँ। इनका थोड़ा गली में अंदर जाके घर है, पर ये ऑब्वियसली हमेशा की तरह बीकानेर के बगल में मुझे रोक देते हैं कि यहाँ से मैं चला जाऊँगा। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, बीच गली में पता नहीं किससे मिल के जाता है, अंधियारी गली बिल्कुल। देखो ये देखो, असल में ये किसी की प्रोफाइल देख रहा है लड़का, हमारा एक स्कूल टाइम फ्रेंड है, सब लोग 30 के पहुँचने वाले हैं, और उसकी प्रोफाइल #heartbreaker #vampirelife चटकीला कहीं का, मतलब अभी भी उसके नाम के आगे इंग्लिश वो है सरनेम।
जैसे उस टाइम पे छबरी लौंडे नहीं कर देते थे, अपने नाम के आगे वॉटसन लगा देते थे, है? मतलब उसका नाम है प्रफुल, उसने आगे लिखा है प्रफुल डी वॉटसन, वही नाम है उसका अभी भी। फिर मुलाकात होती है, ठीक है यार, लुक सही है हमारा, लुक बहुत बढ़िया है तुम्हारा बिल्कुल, तुम भी हैशटैग वैम्पायर लाइफ लिख दो प्रोफाइल पे। बाय बाय, नींद आ रही, जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे बाय यार मत कर, तेरी कमर पे झटका आ जाएगा वैसी हमारी उम्र के लौंडे को हॉस्पिटलों में भरती हैं। ये देखो मोहल्ले की औरतें डरा रही है, ये कोई आंटी किचन से अपने बर्तन धोते हुए देख रही होगी इसको, गया। उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ हेल्थ का ध्यान ना दो तो अचानक से बीमारी पकड़ लेती है। हमारे साथ के जितने दोस्त यार हैं ऐसे नाम सुने ही नहीं जिस नाम की बीमारियां हो रखी उनको। मुझे जो डिजीज हुई है उसका नाम है पैरेन्काइमल हेपेटिक डिजीज। तो एक से मैंने अपना दुखड़ा शेयर किया, कह रहा मुझे तो 24 में हो गई थी जब मैं 24 का था, उसके सामने मुझे थोड़ा दुख हुआ, बट मुझे बाद बाद में हंसी भी आई कि क्या हो गया हम लौंडों को बेचारे, अभी तो स्कूल पास किया था यार, बीपी हो रहा है मेरे साथ के लौंडों को दुख होता है कभी कभी। अभी कभी कभार मेरे व्लॉग्स में रोहित देखने को मिलता है, रोहित जो जिसका टेंट हाउस है, वो एक दिन आया मेरे पास, पीकू बोला यार अब थोड़ा कमर में दर्द रहता है, कहता तेरी भी है क्या। घर लौट गए हैं, मन तो किया था पूल खेलने का, पता है बहुत ज़्यादा मन किया था, तिरछी निगाहों से ऐसे इशारे भी हुए थे आशीष बुढ़ाकोटी और मेरे, बट फिर मेरी आज वाइफ ना आज ही गई है देहरादून, और उसकी शक्ल मेरे सामने आई, बड़ी केयर करती है बेचारी, तो ऐसा लगा कि नहीं यार उसके अनदेखे में ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब इतना यूज़ नहीं करनी चाहिए बॉडी का, मुझे रेस्ट भी चाहिए, और वो पूल टेबल के इर्द गिर्द घूम के बहुत कैलोरी बर्न होती है, तो आज मैंने मैच रहने दिया, घर आ गया मैं सीधा। तोशी यार तुम बहुत बड़ा ड्रामा हो, पहले बोलो मैं बहुत बड़ा ड्रामा हूँ। खामा कसम कि गाइस क्या मुझे इसे चिज्जी देनी चाहिए, कमेंट में लिख के बताएं, एक दिन में एक बार चिज्जी बहुत है ना, तो दोबारा क्या इसको चिज्जी देनी चाहिए। क्यों मारा, हाथ में मारूं, मार दिया, अबे मार नहीं पाई, चल तेरी बारी, पहले मारने तो दो, हटा के मैंने मारा, अभी मैंने मारा चलो मेरी बारी, अच्छा तेरी बारी, तेरी बारी, तेरी बारी, तेरी बारी, पहले तेरी बारी, चल आपको मुझसे प्यार नहीं है, तूने मुझे चिज्जी नहीं दी थी, चिज्जी नहीं दी थी, नहीं इसलिए प्यार नहीं है ना। सिर्फ प्यार क्या चिज्जी का ही होता है क्या तोशी, क्या है एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार नहीं हो सकता बिना चिज्जी के, बिना किसी मतलब के। भाई तेरे मुंह पर टूट रहा है, नहीं मानता ना। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, निकल लो यहाँ से, निकल लो, क्यों निकल लो, जिंदगी में कहीं ना कहीं मजे ढूंढते रहे। इस घर में एक शैम्पू नहीं है नहाने के लिए, मिल जाएगा शैम्पू, अब इसमें पानी और मिलाना और छान देना, पी लूंगा मैं यार। शैम्पू लिया, बिन शैम्पू के ना लूं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, थैंक यू। शैम्पू नहीं था, साबुन से बाल धोती हेल्दी। फिलहाल इसको कहती है मीनू डर का बिजनेस, देख रहे कितना गाढ़ा है ये। रेडी तो हम हैं ही शूट पे जाने के लिए,
बट ये देखिए मामला भाई, इतना स्मार्ट लग रहा है लड़का। ये देखिए, ये मत डाल दियो, पहली बोल रहा हूं तुझे। ठीक है, देखो यार सलमान खान, ओ माय गॉड, देखिए आज लवी हमारे साथ एड शूट कर रहा है। और देखो भाई फॉर्मल्स पहने, मत करना। चलो बाय बाय। लवी भाई की इतनी जान पहचान है, रस्ते से इन्होंने न्यूज़पेपर उठा लिया किसी के भी यहाँ से। पर मुझे बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि मैं आज मैन इन ब्लैक के साथ आया हूँ। तो भैया हम पहुँच गए हैं बुद्धा कैफे में, आ जाओ शूट करते हैं शुरू। खुला है? अरे खुला है, खुला है। और भाई क्या हाल है? आप तो बहुत दिनों बाद आ रहे हो। हेलो यार, ठीक ठाक, आ जाओ भाई। यही कैफे है बुद्धा कैफे, बुद्धा पार्क के पीछे। हेलो आशीष, हम तो पहुंच गए कैफे, आ जा। यही हमारा एड शूट है, ब्यूटीफुल सा सेटअप लगाते हैं। ये देखो ऑफिस गाय। ये देखिए मैन इन ब्लैक 2। दो म्यूजिक आर्टिस्ट को तुमने वो बना दिया। अबे मैं ऐसा लग रहा हूँ कि इंटरव्यू देने आया हूँ। लवी ऐसा लग रहा है कि जॉब करता है, इंटरव्यू लेने आया है। इंटरव्यू नहीं लेता, ये सामने रैगिंग वाले नहीं बैठ रहे। हाँ, मुझे पहली का अजीब लग रहा है। पहले पता है मेरा स्टाइल बैगी है, मैं पैंट शर्ट पहनता भी नहीं हूं। एड महाशय कुछ इस प्रकार है, ये लोग आए हैं ऑफिस में चाय वाय पीने, बाहर आए हैं ऑफिस से। ये देखिए मैन इन ब्लैक 3 भी आ गए हैं यहाँ पर। शिवांशु ऑल ब्लैक। अजीब सा ही लग रहा है फॉर्मल्स के बीच में। हाय शिवांशु, तुमसे मिलके गंदा लगा। चलो फिर एक बार लाइंस कर लो आपस में एक्सचेंज जल्दी से। और एक मैं हूँ जिसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये लीजिए भैया, हमारा फ्रेम तैयार हो गया। रेडी, एनर्जी के साथ पहला टेक लेने जा रहे हैं। एक बंदा चाय पी रहा है, एक बंदा न्यूज पेपर पढ़ रहा है। भाई आराम से, गोइंग फॉर द टेक, एक्शन। यार लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं। चिंता क्यों करता है दोस्त, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक्शन। चिंता क्यों करता है दोस्त, 3 डॉट्स ऐप पर स्टॉक मार्केट में इतना मारूंगा। मैं तो हंस रहा हूं मुझे देख के। चिंता क्यों करता है दोस्त,2 घंटे से तूने बताओ तेरा सच अभी। हमारे साथ एक डिफ्यूजर भी है, ये देखिए। ये देखिए डिफ्यूजर अब जा रहा है। शिवाश में गोरा होता तो रिफ्लेक्टर का काम भी करता मैं। बट इसने डिफ्यूजर का काम किया। डार्क जोक मार के चले गए यहाँ पर से शिवांशु। देखिए चल ठीक है, मिलते हैं यार, नाइस मीटिंग यू मैन। वो तो देहरादून रहता है बस, हमारे शूट के दौरान यहाँ पर था बेचारा, देहरादून जा रहा है, निकल रहा है। ठीक है बाय बाय। बस अब हम लोग निकलेंगे घर। मेरे हिसाब से फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर अंत करते हैं। इफ यू लाइक माई व्लॉग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर चैनल पे नए हैं तो वो बेल आइकन दबाना ना और अगर चैनल पे नए हैं तो वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर रोज ब्लॉग्स आ रहे हैं।